अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ जेडीएस के सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब मौजूद हैं। सर, आप पर अक्सर अभी जो आपने कांग्रेस छोड़कर जेडीएस ज्वाइन की, आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अपने सहूलतों के हिसाब से पार्टी बदलते रहते। मेरी सहूलत क्या है? 30 साल में बीवी मरे तो दूसरा नकाह करे जे, 80 साल में बीवी मर को निकाह करके क्या करते हैं? आज कांग्रेस वाले जो मुझे बोल रहे ना, इन कांग्रेस को ले सको न, किसके वोट से है इनो मुसलमान के, तो इन मुसलमान क्या करे? मैं ये पूछा तो मेरी सहूलत सिद्धरामैया 6% उसकी कौम के लोगों को ने 100% मदद कर रहा, मन जो 7,000 करोड़ बजट में देखो तो किसके बाबा का पैसा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इसके अंदर हिम्मत है सामने आके बोलोगे ना? मुझे आज मेरे पास इख्तदार नहीं, मैं MLC नहीं, 4 साल का पोस्ट छोड़ा। मैं सिद्धरामैया छोड़ोगे ना कि नहीं छोड़ रहा? उन्हें हमारे वोटा से ना जीते सो शिव कुमार 55,000 मुसलमान वोटाएँ, 40,000 पोलिंग हुई, 30-35,000 उसे देने में उन्हें 15,000 से जीता, उन्हें कि नहीं छोड़ रहा? ने आपको विपक्ष का लीडर बनाने की मांग थी आपकी, नहीं देने पर नहीं बाप का है। अरे मेरा हक है जी, एक भी 21 सदमे में 19 सदमे मुझे साथ दिया तो नहीं बनाते तो तुम्हारे बाबा की पार्टी है। हाँ, सोनिया गांधी के बाबा करे थे पार्टी। हाँ, पार्टी बने, हमें सब साथ दिए, तुम्हें ताकत बनी, किसके किसके साथ? अरे हमारे से तुम्हें, तुम्हारे से हमें नवे। अब 21 सदमे MLC में 19 सदमे मुझे वोट दिया तो तुझे नहीं बनाते होगा तो क्या सो, कौन सी डेमोक्रेसी हो वो की होगा? तो मुस्लिम है क्या? मैं मुस्लिम? राहुल गांधी पूछा तू क्यों अर्जी दिया था? राहुल गांधी बेटा पैदा होना कर अर्जी दिए थे क्या तुम्हें? कांग्रेस में आप भी तो कई सालों तक लीडरगिरी तो किए ना। अरे करे, अब निकाह हुआ, जिंदगी करे, बच्चे हुए, एक तरफ बच्चे देख रहे, एक तरफ बीवी छोड़ रहे। वो वही तक लको नहीं होता इनके यहाँ से, जिंदगी कर थू कर छोड़े बाहर है। वहाँ पर आप ऊंचे अहदे पर थे, मिनिस्ट्री थी, तब आपको मुसलमानों के बारे में कब? भाई वो सबसे बड़ा अहदा देवगढ़ा के जमाने में था, 2 नंबर मौलाना अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के बाद पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कमेटी कैबिनेट का मेंबर पहला मुसलमान में बना। सो आज तक ना इंदिरा गांधी बनी ना राजीव गांधी बनाया, देवगढ़ा 2nd नंबर पर मैं था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, UPSC का चेयरमैन कब तो मुसलमान बना था। फिर 4% रिजर्वेशन का बाप दिया, 70 साल हुए ना जी, कौन जी दी? कांग्रेस दी, देवेगौड़ा दिया नहीं, फिर बोलते बीजेपी। अरे काम तो कराया उन्हें, अब लहर सिंह को जीता है परसों राज्यसभा में, 2 हमारे MLA को 10 करोड़ रुपये लग जा को सिद्धरामैया देखो उनको बीजेपी को वोट डाला है नहीं, वो कर सकता? अगर आप कतल में करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आम भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बीजेपी के साथ ये किस सवाल करे? उन्हें हमारी चीज़ा मान लिया की नहीं जाना? क्या मोदी के साथ मुझे बेटी का रिश्ता करने का है? अरे झाड़ने के वास्ते झाड़ू होना, बाजार को गए सामान होना, हाजी साहब के दुकान में सामान अच्छा, लेकिन जिस पार्टी के दुकान में सामान अच्छा है तुम्हें कहाँ खरीदती? जिस पार्टी का पार्टी लाइन ही एंटी मुस्लिम हो उसके साथ आप कैसे कर रहे हैं? बीजेपी RSS एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी इस्लाम है। अब उसे गठबंधन नहीं, सवाल इस नहीं है, लेकिन सहू सिजदा अगर करते, हिंदा का कलेजा चबाने वाली हिंदा, हमजा रजी अल्लाह ताला ने का कलेजा चबाने वाली हिंदा को माफ़ करे मेरे सरकार, आज हमें उसके उम्मती है। तो हम ना मोदी के ऊपर गुस्सा जाती तौर पर नहीं, उसके काम की वजह से, अगर उन्हें तकबीर गलती हुई माफी चला उसे भी माफ करना। आप कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है दिसंबर में? वो होगा नहीं जी, हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ है सर, कई सारे कानून तो पास हो गए, ये नहीं होगा होने? वो भी होने दो ना, इंतजार करो, हर एक चीज का वक्त है। तातार यहाँ बगदाद में फना कर डाले, बगदाद खत्म हुआ, लीबिया खत्म हुआ, पूरे मुल्क के अंदर दुनिया के अंदर चल रहा, आज आखिर जो है
खयामत के आसार हिंदुस्तान को आया, यहाँ से जो जवाब जाएगा दजला की नदी जो है खून से भर जाएंगे, इंतजार करो। नहीं, ये बातें कहने में तो बहुत आसान है कि हमने करबला देखा है, बदर भी देखा है, लेकिन मौजूदा हालात तो इस तरह से लग रहे हैं कि मुसलमान तो डर खौफ के साए में है, इनको इसमें से बाहर कैसे निकालेंगे? वो तो जब तक मुसलमान डर रहा उन्हें जिंदा रहने से होता नहीं, डर रहे घर में जोरे के साथ बैठोगा ना, माँ वो को उसकी गलती बुलाओ घर का, मैं बुला रही बाहर आओ घर को, हिम्मत से आओ, मौत एक ही चौका ताने का, बाहर बीवी के पास रहे तो भी मौत आती, बाहर रहे तो भी मौत आती, हार्ट अटैक से भी मरते, मौत मौत ही चाहे हार्ट अटैक से मरो चाहे पुलिस से मरो। ना आपने कर्नाटक का मुस्लिम काउंसिल भी बनाया था सर मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए, फिर हालात के हिसाब से भी बदलते भी जाते हैं, बीच में आपने काम भी थोड़ा, आज भी एक काउंसिल है उसके तहत काम चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा, इदारे चल रहे, हज़ारों के बच्चे उसमें तालीम पा रहे, वो सब कर ले को है, लेकिन एक चीज़ तुम आज मैं बोलता हूँ तुम्हारे ज़रिए से, आज तक इस कौम से न किसी से भी ना दीनी चंदा लियो ना सियासी चंदा लियो, नहीं लियो मालिक अल्लाह, अल्लाह वाले इनसे लियो, अल्लाह वालों से लियो, अल्लाह से लियो, और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बरकत दिया मुझे, जितना काम कर रहा हूँ जितना पानी निकाल पिला रहा हूँ बॉडी में और पानी आने को चाहिए। सर कुमार स्वामी और देवेगौड़ा साहब में भी फ़र्क है, कहा कहते हैं कि देवेगौड़ा साहब किसी हाल में आरएसएस की आइडियोलॉजी से आरएसएस से किसी तरह का समझौता नहीं चाहते, लेकिन कुमार स्वामी सत्ता के लिए कहीं पर भी समझौता करते हैं सका। ये जो है सिद्धरामैया नहीं करे क्या? नहीं वो किए इसलिए ये जस्टिफाई नहीं, नहीं नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे, किए नहीं किए, सीताराम केसरी देवेगौड़ा की हुकूमत को निकाले नहीं निकाले, तुम्हें मुसलमान एहतजाज करे क्या? इतने अच्छे आदमी निकाल डाले, हुबली ईदगाह मैदान का मसला सेटल करे, साल में 10 बच्चे मरते थे, तुम्हें क्या तुम्हें मुबारक करे, और ये कौम भी सूर एहसान जजाउल एहसान अल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाना, ये कौम की फितरत में आना, वो 4% रिजर्वेशन दिया आज कौन तो दिए, ये शुक्रिया नहीं है, खाली 21 बोल पूरे बीजेपी से जाता है, बीजेपी से जाता है, बीजेपी से 95 में टाडा के कैसा तुम्हारे गांव के कितने आदमक नहीं निकाले यहाँ, 18 आदमक महेश नहीं निकाले यहाँ, हुबली के कई नौजवान आज भी 150 नौजवान UAPA के तहत, अभी तक क्या कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कौन है उनको लड़ाने बाजार में लग गए, कौन वहाँ के कांग्रेस के लीडर, वहाँ के कांग्रेस के लीडर, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी बिल्कुल, मैं लायर को रखियो उसका सुप्रीम कोर्ट में लड़ा रही हूँ, जो अशरफ अली मेट्रो होटल के ओनर है बेचारा वो पैसा खर्चा कर रहा, उसे हमें भी ताउन तावर कर रहे, आज ने सुबह कल बच्चे रिलीज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।